नोएडा कमांडो वॉरियर जो एंकर बनते हैं, जो रात को कमान संभालते हैं, जो कवर फायरिंग देते हैं मोदी जी को, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मृतकों को उनकी मौत का दोषी ठहरा दीजिएगा। मतलब नैतिक पतन की सरकार की, भाजपा की, पर पत्रकारों की भी हद हो गई है। थोड़ी समझ आप लोग भी लगाइए। भरे मंच पर दो और मुख्यमंत्रियों के सामने एक तीसरा मुख्यमंत्री खड़ा होकर प्रधानमंत्री जी को देश का लोकतंत्र और गांधी का देश समझा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी के मुझे तो नहीं लगे कसीदे पढ़े जा रहे हैं, मुझे तो लगा घोर बेइज्जती है। नहीं, सबसे पहले तो देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, सुर्खियां ढूंढना अच्छा काम है, मीडिया को वो करना भी चाहिए। मीडिया तो आजकल ऐसी सुर्खियां ढूंढ रहा है कि मोरबी के 150 मृतकों को अपनी ही मौत का जिम्मेदार ठहराने पर तुला हुआ है। तो खैर, उसके बारे में मैं टिप्पणी ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि वो सुनकर मुझे दुख से ज्यादा गुस्सा आता है और तरस आता है आज की मीडिया की स्थिति पर। लेकिन जो आपने बात कही, क्योंकि मीडिया से आती हूं, चीजें देखने का फर्क भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जरूर कहा कि सबसे अनुभवी सीएम है, यह सच है, सबसे अनुभवी सीएम है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने जब उसी मंच से भड़ी भीड़ में, पूरी जनसभा में यह कहा कि मोदी जी की इज्जत और सम्मान विदेश में इसलिए होता है क्योंकि वो गांधी के देश से आते हैं, वो ऐसे देश से आते हैं जो नेहरू, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल का देश है, बाबा साहब अंबेडकर का देश है, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें 70 साल बाद भी बड़ी मजबूत हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भरी सभा में मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया है। वही लोकतंत्र जिसको रह रहकर क्षण क्षण क्षीण करते हैं मोदी जी, उसी लोकतंत्र का उल्लेख कर गांधी और नेहरू के उस देश का उल्लेख कर जिनका अवमानना करने से मोदी जी और उनके अनुयायी एक पल पीछे नहीं होते। अब आपने मुझसे एक सवाल पूछा है और आपने पायलट साहब के सामने किस तरह से सवाल पूछा और उनका क्या अनुभव रहा, यह तो मैं नहीं जान सकती हूं। मैं कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता हूं, यहां पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। आपने मुझसे गहलोत साहब जी की जो बात थी रैली को लेकर, उस पर सवाल पूछा। मेरी अपनी जो अदनी सी समझ है, मुझे आता है समझ में कि उन्होंने तारीफ नहीं करी, उन्होंने भरी सभा में मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया। इसका और भी एक तल्ख बात कह सकती हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं तो नहीं कहूंगी, आईने तक ही रुक जाऊंगी। भरी सभा में मैं अपने बगल वाले को बोलूं कि आपकी इज्जत आपसे नहीं है, आपकी इज्जत इसलिए क्योंकि आप ऐसे देश से आते हैं जो गांधी का देश है, नेहरू का देश है, अंबेडकर का देश है, जहां पर लोकतंत्र मजबूत है। मुझे तो लगता है ये तो बड़ी बेइज्जत करने वाली बात हो गई, पता नहीं किसको इज्जत इसमें नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है कि गुजरात में तो बहुत कुछ हो रहा है, और गुजरात में कुछ भी कहने से पहले हम एक ही सवाल जो लगातार 4 दिन से पूछ रहे हैं वो दोबारा से पूछेंगे। 96 घंटे हो गए इस सवाल को। 150 लोगों की पुल टूटने से मौत हुई है, और जिम्मेदारी सुरक्षाकर्मी, चौकीदार और टिकट बेचने वाले वो दो लोग हैं, या ऐसी कंपनी जिम्मेदार है जो पुलिस का कहना है, जिसने सिर्फ पेंट कर दिए थे तार और रंग रोगन कर दिया था। मोदी जी वहां पर गए, अस्पताल की पुताई हो गई, अस्पताल की रातों रात चकाचक हो गया, अस्पताल की तस्वीरें बढ़िया आए, लोगों से मिलकर वो चले गए। क्या कौन जिम्मेदार है लोगों की मौत का, पहले तो मुझे यह बताया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर का नाम नहीं है एफआईआर में, कंपनी के एमडी का नाम नहीं है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जिसके मंत्री खुद और खुद मुख्यमंत्री है, उनका नाम नहीं है। मोदी जी जाते और चल के चले आते हैं, क्या बात आप कर रहे हैं। गुजरात में चुनाव के दौरान यह घटना हुई है, चुनाव के दौरान 2016 का मोदी जी का वो बेहद शर्मनाक वक्तव्य मेरे कानों में अभी भी गूंज रहा है कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसी अशोभनीय और गिरी हुई बात कर सकता था, जो उन्होंने बंगाल में एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड करी थी। अगर वो एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड था तो ये क्या है, सवाल इस बात का है। मुझे लगता है एक सभ्य समाज में होने के नाते 150 लोगों की मौत हो जाना, जिसमें अधिकांश बच्चे,
महिलाएं और बुजुर्ग हैं। घायलों से अस्पताल भरा पड़ा है, अभी भी लोग लापता हैं। इसको विल ऑफ गॉड कहा जा सकता है? कोर्ट में, पुलिस के सामने या किसी डिबेट में इसको हम विल ऑफ गॉड कह के चुपचाप बैठ जाएंगे? ये विल ऑफ गॉड नहीं है, ये करप्शन और कमीशन खोरी का, गुजरात सरकार का पर्दाफाश करने का सबसे बड़ा सबूत है। 5 दिन पहले पुल खुला, 12,000 लोग पुल पर गए, 12,000 लोगों ने टिकट खरीदा, राजस्व में वो पैसा आता है। कमिश्नर कहता है म्यूनिसिपैलिटी का, जी हमें पता ही नहीं है कौन खोल गया। कंपनी कह रही है हमने तो बात करके खोला। फायर डिपार्टमेंट कहता है सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री तो बेचारे अभी तक कुछ बोल ही नहीं पाया, गाड़ी में घुसने की कोशिश लग रहा है अभी तक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री जी अपने सारे कार्यक्रम करके मन में दुख लेकर सारी वेशभूषाएं बदल के प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे, मैंने प्रधानमंत्री नहीं कहा, प्रधानमंत्री ही कह रही हूं, जब वो पहुंचे अस्पताल तो अस्पताल रात को टाइलें लग चुकी थी, वाटर कूलर लग चुका था, और आपके साथी ने जब बताया कि पाइप कनेक्ट नहीं हुआ तो पाइप कनेक्ट हुआ। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? और ये विल ऑफ गॉड है? ये विल ऑफ गॉड नहीं है। विल ऑफ गॉड अब दिखेगी ऐसे लोगों पर। मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं एक गॉड फियरिंग पर्सन हूं, कि यहां का लेखा जोखा यही होता है। ईश्वर के साथ सामने डरना चाहिए लोगों को। 150 लोगों की मौत को हम विल ऑफ गॉड कह के चुप हो जाएंगे? एमडी का नाम नहीं है, मतलब जो चपरासी बेच रहा है टिकट उसका नाम है, जो सुरक्षा कर्मी लगा हुआ है चौकीदार उसका नाम है। ये क्या बात करने की बात कर रहे हैं आप लोग? और मुझे दुख होता है कि मीडिया के साथी ऐसी कवर फायरिंग कर रहे हैं इस समय। आप लोगों की बात नहीं कर रही हूं, आप लोगों के जो वरिष्ठ साथी नोएडा कमांडो वॉरियर जो एंकर बनते हैं, जो रात को कमान संभालते हैं, जो कवर फायरिंग देते हैं मोदी जी को, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मृतकों को उनकी मौत का दोषी ठहरा दीजिएगा, मतलब नैतिक पतन की सरकार की, भाजपा की, पर पत्रकारों की भी हद हो गई है। मुझे लगता है ये सिर्फ अशोक गहलोत जी ने ही नहीं कहा है, तमामों बार सचिन पायलट जी ने ये कहा है कि हम सब मिलकर आपसी मतभेद भुलाकर सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा से कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बने। एक दूसरे का बयान पकड़कर मीडिया में स्टोरी बनाना एक बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिकृत तौर पर मुझे बोलना था कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते और अपनी समझ के अनुसार, वो मैंने बोल दिया है। थोड़ी समझ आप लोग भी लगाइए। भरे मंच पर दो और मुख्यमंत्रियों के सामने एक तीसरा मुख्यमंत्री खड़ा होकर प्रधानमंत्री जी को देश का लोकतंत्र और गांधी का देश समझा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी के मुझे तो नहीं लगे कसीदे पढ़े जा रहे हैं, मुझे तो लगा घोर बेइज्जती है जी। जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, निलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, हमारे कभी अपने होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंजू खारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र सीपीएन सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अरुण अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजय वर्गीय पुत्र कैलाश विजय वर्गीय,
राव इंद्रजीत सिंह, पुत्र राव बीरेंद्र सिंह, ये हमारे तो नहीं है, ये तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दिए और कुछ ही गिनाए हैं। इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं, और बड़ी लंबी फहरिस्त है हर राज्य में। तो अमित शाह जी पहले इस बात का जवाब दें कि अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी किस बड़े बाप के बेटे हैं। उन्होंने कांग्रेस की जमीनी राजनीति करी, NSUI की करी, यूथ कांग्रेस की करी, आज वो इस देश के मुख्यमंत्री हैं क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। अमित शाह जी बहक जाते हैं, अमित शाह जी लोगों के पास अब मुद्दे नहीं रह गए। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक मिल मजदूर के लड़के हैं, 11 बार चुनाव जीता है और उसके बाद हमारी पार्टी के लोगों ने उनको जिताकर अध्यक्ष बनाया है। ये हमसे बात करेंगे किसका किसको लड़का होना चाहिए? जो डैडी डैडी मेरा खत्म हो जाएगा टेन्योर, तो BCCI का संविधान ही बदल दिया जाता है। अमित शाह जी पहले अपने पुत्र जो डैडी डैडी करते थे, जिनको 3 साल का एक्सटेंशन और मिल गया एज BCCI सेक्रेटरी, उसका जवाब दें। एक संस्था का संविधान बदल जाता है कि इनके पुत्र बने रहें और ये सवाल हमसे दागेंगे? वाह भाई।